टीवीएस का नया शोरूम अब आपके फलासिया में। भव्य शुभारंभ, कमलेश्वर टीवीएस, नवरात्रि, धनतेरसवा, दीपावली की बुकिंग शुरू, आज ही आए। कमलेश्वर टीवीएस, कमलेश्वर प्लाजा, कॉम्प्लेक्स बस स्टैंड रोड, फलासिया। संपर्क करें 9256499328 पर। नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। घर पर वोट डालने के लिए आज से आवेदन, 4 नवंबर तक भरना होगा फॉर्म। जानिए 18 लाख लोग कैसे कर सकेंगे मतदान। राजस्थान में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए इस बार निर्वाचन आयोग ने होम वोटिंग की सुविधा दी है। 80 साल या उससे ज्यादा उम्र और 40% से ज्यादा दिव्यांग जन को घर से वोट डालने का ऑप्शन दिया जा रहा है। इसके लिए 20 अक्टूबर आज से आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इन वोटर्स के घर BLO जाएंगे और फॉर्म 12D देकर उन्हें घर पर वोट डालने का विकल्प देंगे। 4 नवंबर तक फॉर्म भरे जा सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग से जारी शेड्यूल के मुताबिक 20 अक्टूबर से 4 नवंबर तक BLO अनरजिस्टर्ड मतदाताओं के घर जाएंगे जो होम वोटिंग के दायरे में आते हैं। यहाँ वे मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा के बारे में बताएंगे और उनके सहमत होने पर उनको फॉर्म 12D देंगे। ये फॉर्म BLO ही 30 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच जमा करेंगे। फॉर्म जमा करने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी घर पर वोट डालने वालों की पूरी सूची तैयार करेंगे। इसके बाद उसे राजनीतिक दल और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों से साझा करेंगे ताकि वोटिंग के समय जो रोड चार्ज बनेगा उसके अनुसार वे अपने पोलिंग एजेंट को वोटर के यहाँ भेज सके। सूची तैयार करने के बाद पोलिंग पार्टियाँ 14 से 21 नवंबर तक इन मतदाताओं के घर जाएंगी और वहाँ उनको बैलेट पेपर देकर वोट डलवाएंगी। वोट डालने के बाद मौके पर ही बैलेट पेपर मत पेटी में डलवाया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। वोट देने की प्रक्रिया 2 चरण में होगी। पहले चरण में 14 से 19 नवंबर तक पोलिंग पार्टियां वोटरों के घर जाएंगी। इस बीच कोई वोटर घर पर नहीं मिलता है तो उसके यहां दूसरा राउंड 20 से 21 नवंबर तक लगाया जाएगा।